स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो शेयर हमें 0.31% नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों अगर इसका 1 मंथ का चार्ट ओपन करें तो आप यहां पे देखोगे शेयर ने रैली तो पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद हमें ये शेयर नीचे जाता हुआ देखने को मिलता जा रहा है। 6 मंथ का चार्ट ओपन करें तो शेयर एक टाइम पे लंबा कंसोलिडेट मारता हुआ देखने को मिलता था, लेकिन ये कंसोलिडेट हमें थोड़ी सी रैली दिखाता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी रैली दिखाते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर से कंसोलिडेट फेस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या इस शेयर को होल्ड करना चाहिए, इसके NPA भी घोषित होते हुए देखने को मिले, क्या उसके बाद इस शेयर को लॉन्ग टर्म ले जाना सही होगा, तो आज इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें, इस शेयर के मैं मानता हूँ इसके NPA घोषित हुए हैं, लेकिन ये शेयर इंडिया की जानी मानी कंपनी है शुगर सेक्टर में भी और बजाज ग्रुप से जुड़ा हुआ ये शेयर है। दोस्तों ये शेयर आने वाले समय में आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अगर इथेनॉल की बात करें ये हमें 10% से 20% होती हुई देखने को मिली, आने वाले समय में 30% भी होती हुई देखने को मिलेगी। वाइट शुगर का एक्सपोर्ट हमें एक अच्छा खासा देखने को मिलता है, और पिछले मंथ की बात करें मैं हर डेली ही एक न्यूज़ बनाया करता था शुगर सेक्टर में, वो अच्छी न्यूज़ ही देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे यू टर्न कंपनी ने तब मारा जब इस कंपनी के NPA घोषित होते हुए देखने को मिले, कंपनी 20% डाउन जाती हुई देखने को मिली। उसके बाद जो इन्वेस्टर का भरोसा था वो इससे हमें टूटता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर कंपनी को इन्वेस्टर का भरोसा फिर से जीतना है तो इस कंपनी को अपने Q3 के रिजल्ट, Q4 के रिजल्ट अच्छे शो करने होंगे, जिसके बेस पे जो इन्वेस्टर का भरोसा एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप इस शेयर में फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा Q3 के रिजल्ट का वेट करिए, किस हिसाब से Q3 के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कंपनी क्या इस बार प्रॉफिट शो करती है, तो उसके बाद इस शेयर को बाय करके चलिए। कंपनी का अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट शो होता हुआ देखने को मिला, जो NPA के जरिए इनका भरोसा टूटता हुआ देखने को मिला, इन्वेस्टर का भरोसा टूटता हुआ देखने को मिला, वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर इस शेयर के बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट में किस हिसाब से सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो रिजर्व है लगातार कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो भी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आ रही है। दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 3 साल में 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था शॉर्ट टर्म बोरिंग में, लेकिन इस साल एक अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी उठा लिया है। और टोटल एसेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके टोटल एसेट भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और बैंक में कितना कैश पड़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक में 73 करोड़ के आसपास पड़ा है, वो भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग हमें डाउन जाती हुई देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के NPA घोषित हुए, लेकिन अगर शेयर के फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इसके साथ है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग आने वाले समय में 30% भी होती हुई देखने को मिलेगी, और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है Q3 का रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होती है, Q4 में फिर से इंप्रूवमेंट होती है, तो इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म ले जा सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से इन्वेस्टर का भरोसा इस शेयर से टूटा है उसको दोबारा से रिबिल्ड भी करना पड़ेगा। तो जाते जाते यही बोलूंगा, अगर आप शेयर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो Q3 के रिजल्ट का वेट कीजिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर।